ओम साई राम। मैं नैना चावला। मैं बाबा के साथ कैसे जुड़ी? मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। मेरे यंग ब्रदर की डेथ हो गई थी और मैं बहुत ज्यादा टूट चुकी थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। तो एक आंटी थी जो बाबा के मंदिर जाती थी, वो मुझे अपने साथ बाबा के मंदिर लेके गई। मैं फर्स्ट टाइम बाबा के मंदिर गई और मेरे मन को इतनी शांति मिली, इतना सुकून मिला। और मैंने बाबा को यही बोला कि बाबा मेरी जिंदगी आर्या पार कर दो। तो जब मैं मथा टेक के लोधी रोड से बाबा के मंदिर बैक साइड से उतर रही थी स्टेयर्स, तो मैंने बाबा को बोला, बाबा आप मुझे थाम लो, मैं बहुत टूट चुकी हूँ। और मैंने वहां बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार देखा। बाबा साक्षात वहां आए और उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में थाम लिया। जब उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में थामा तो मैं एकदम सुन्न हो गई, मैं कुछ नहीं बता सकी, सिर्फ मैं रो रही थी। फिर हम लोग मंदिर से बाहर निकले और वो आंटी कम से कम 30 साल से बाबा को मानती थी, वो कभी शिरडी नहीं गई। और मैं लोधी रोड फर्स्ट टाइम जैसे गई, 2 दिन के बाद ही मैं शिरडी चली गई। कोई अनजान मुझे अपने साथ शिरडी ले गए, शिरडी चली गई मैं बाबा के पास। और वहां जाके बहुत अच्छा लगा मुझे। और वाकई में ऐसे हमें इतनी देवी देवताओं की पूजा करके, बहुत तपस्या करके, बहुत करके जब हमें उनके दर्शन प्राप्त होते हैं, पर एक बाबा इतने भोले हैं, इतने प्यारे, उनके लिए कुछ नहीं करना पड़ता और वो साक्षात अपने भक्तों के साथ आके खड़े हो जाते हैं। ये अनुभव मेरा खुद का है और बाबा के एक बार नहीं, मेरे साथ ये अनुभव हुए हैं, बहुत बार हुए, अनगिनत है मेरी जिंदगी के अनुभव बाबा के साथ। बहुत सारे हैं जो मैं अगर बताना चाहूं तो शायद बहुत ये एपिसोड बहुत छोटा और कम पड़ जाएगा। मेरा बाबा के साथ जब मैं बहुत तकलीफ में थी ऐसे जुड़ा हुआ, उसके बाद मुझे बाबा ने कभी अकेला नहीं छोड़ा। और फिर मेरी दीवानगी, मेरी आशिकी, मेरी मोहब्बत बाबा के साथ हो गई, जबरदस्त तरीके से हो गई। मैं वहां से होके आई, शिरडी से होके आई, तो मुझे सिर्फ बाबा बाबा और बाबा, और कुछ दिखता ही नहीं था, सिर्फ बाबा दिखते थे हर टाइम, सिर्फ बाबा, साई साई करती रहती थी। फिर लोधी रोड मंदिर आना शुरू हो गई, वहां के कोने में बैठ के बाबा के भजन सुनती रहती थी, सिर्फ बाबा के भजन सुनती रहती थी। एक टाइम बहुत जबरदस्त बारिश थी, बहुत जबरदस्त बारिश, और मैं घर में ही थी, मेरे ख्याल से जून जुलाई का महीना था। मेरे घर की बेल बजी और मैंने देखा एक बूढ़े बाबा, बिल्कुल जैसे साईं बाबा ही थे, वो साईं बाबा ही थे, बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कोई बाबा। और मैंने दरवाजा खोला तो उनकी कफनी, जैसे उन्होंने कफनी व्हाइट कलर की पहनी हुई थी, बिल्कुल वैसे। और उन्होंने कहा, मैंने कहा अरे बाबा आप, ऐसे करके दरवाजा खोला। उन्होंने कहा हाँ माँ, तूने मुझे शिरडी में रहने ही नहीं दिया, मुझे तो आना पड़ा क्योंकि तू मुझे इतना प्यार करती है, मुझे आना पड़ा। और बाबा आए, बाबा के लिए मैंने चाय वगैरह बनाई, जल वगैरह दिया जैसे देते हैं। और मतलब मुझे नहीं पता था कि वो साईं बाबा है। बाबा मेरे साथ रहे 2 दिन। लोग सोचेंगे कि ये शायद झूठ है, पर ये सच है, बिल्कुल सच है। मैं कुछ नहीं बोल रही, बाबा बुलवा रहे हैं मुझसे, इसलिए मैं अपना सबसे पहले वाला एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो पहली बार फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ। उसके साथ बाबा मेरे साथ रहने लग गए। बाबा मुझे माँ बोलते थे, मुझे नहीं पता क्यों बोलते थे, किस लिए बोलते थे। बाबा ने अपनी कफनी वगैरह पहनी हुई थी जैसे, और वैसे ही उन्होंने एक झोली जो टांगते हैं वैसे उन्होंने वो टांगी हुई थी। मैंने बाबा को बैठ के बोला, बाबा आपके कपड़े बहुत गंदे हो रहे हैं, चलो आपके कपड़े धो देती हूँ मैं। बाबा बोले, अरे रहने दे पगली, ऐसे ही ठीक है, क्या धोना। मैं कहा नहीं बाबा आप नहाओ। मैंने बाबा को जिद करके उनको बोला, नहीं आप अपने कपड़े दो और आप नहाओ। तो बाबा ने बाबा ने वो उस टाइप का लंगोट पहना हुआ था जब मैंने उनके कपड़े धोए, तो उनका पूरा कफनी थी। और बाबा ने जो जैसे पहले हनुमान के टाइम पे या वैसे वो लोग नहीं पहनते हैं, जब वो अखाड़े में लोग कुश्ती क्या करते हैं, उस टाइप का बाबा का वो था। वो ऑरेंज कलर के कपड़े मैंने उनके धो के सुखा दिए। फिर बाबा मेरे साथ बैठ के बातें करते, रोज बातें करते थे बाबा मेरे साथ। तो बाबा ने मुझसे, एक दिन मैंने बाबा से ऐसे बोला, बाबा क्या खाओगे? बाबा ने बोला, जो तुम मुझे प्यार से खिलाएगी। बाबा ने फिर मुझे बोला कि ध्यान, तेरे अंदर बहुत शक्ति है, तेरे अंदर बहुत ज्यादा वो है। तो एक आर्टिफिशियल शरीफा मेरे घर में पीतल का था, वो रखा हुआ था। बाबा ने बोला, इतनी शक्ति है, अगर तू इसमें देखते 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 वो करेगी तो सचमुच में इसमें फूल खिल जाएगा। और मुझे समझ नहीं थी उस टाइम पे, मेरी लाइफ बहुत उथल पुथल थी और समझ भी नहीं थी, वो एज भी बहुत छोटी सी थी, बहुत छोटी एज में मैं बाबा के साथ जुड़ी थी। तो कुछ समझ नहीं आया कि बाबा क्या कह रहे हैं, क्यों, मुझे कुछ नहीं पता। फिर बाबा ने बोला, तू साईं सच्चरित्र पढ़ती है?
मैंने कहा बाबा वो क्या होता है, मैं उस टाइम पे मुझे पता ही नहीं था साईं सच्चरित्र क्या होता है। तो बाबा मैंने कहा नहीं बाबा मैं साईं गीता पढ़ती हूँ। तो मेरे घर में छोटा सा मंदिर था और वो मैंने बाबा को दिखाया, मैंने बाबा को बोला देखो बाबा मैं ऐसे हमेशा जोत जला के रखती हूँ। तो बाबा ने बोला ये जोत तेरे अंदर जलनी चाहिए, ये जोत तू अपने अंदर भी जला सकती है। मैंने बोला, फिर वो बात ऐसी हो गई, फिर हम बैठे हुए थे तो बाबा बातें करने लगे, फिर बाबा से मैं बातें करती, फिर बाबा बोले, मेरा दिल था बाबा मेरे साथ रहे, बाबा बोले मुझे जिद मत करना, मुझे अभी कैलाश पर्वत जाना है, वहां भोले शंकर जी ने जन्म लिया है, मुझे वहां जाना है। और उन्होंने मुझे समझाया गृहस्थ बहुत जरूरी है, और गृहस्थ को मतलब कि ऐसे मत सोचो कि गृहस्थ में रह के इंसान पूजा नहीं कर सकता, जब तू जहां भी मुझे याद करेगी मैं तेरे साथ हूंगा। क्योंकि मेरा उस टाइम पे बहुत अजीब सा था और मेरे को शायद शादी वादी का नहीं था दिमाग में कुछ वैसा नहीं। तो ऐसे ही एक मेरी फ्रेंड भी आई थी, उसने पूछा कि बाबा ये तो इतना नॉनवेज खाती है और ऐसे है, ये तो कोई भी नहीं देखती। तो बाबा ने बोला ये अंदर से मैं इसको देखता हूँ, मैं इसको बाहर से नहीं देखता, इस खाने पीने से कुछ नहीं होता है, एक आत्मा शुद्ध आत्मा पवित्र होनी चाहिए। बाबा ने ऐसे करके बताया और बाबा ने कहा कि उन्होंने फिर बोला कि बाबा अच्छा चलो ये तो बताओ, ऐसे मजाक में मेरी फ्रेंड ने बोला, मैंने उनको बुलाया हुआ था कि बाबा से मिल लो आके, मेरे यहाँ पे बाबा आए हैं। उन लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया कि तू किसी भी बाबा को अपने घर में बुला लेती है, कल को कुछ भी हो जाएगा ऐसे करके। पर मुझे उनसे पता नहीं क्यों इतना लगाव प्यार था। तो फिर उन्होंने एकदम से बोला कि इसके बच्चे कितने होंगे, चलो इसकी शादी होगी, आप कह रहे हो घर बसाना जरूरी, तो उसके बच्चे। तो बाबा ने बोला नहीं, ये साईं की माँ साईं इसका बेटा। और सच में तब तो मुझे पता भी नहीं था मेरी शादी होगी और मेरे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, और आज मेरा कोई बेबी नहीं है। और बाबा ये मुझसे 30 साल पहले या 28-29 साल पहले ही बोल के चले गए थे, तो तब भी समझ नहीं आया। फिर बाबा बड़े खुश होकर चले गए, बाबा ने मुझे उदी दी, एक छल्ला दिया तांबे का, और बाबा ने बोला तू भी जाएगी उड़ के और तू बाबा के, तेरे को भी भोले के दर्शन होंगे। और एकदम सडनली जैसे बाबा गए, तो मेरी फ्रेंड एक जो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में जॉब करती थी वंदना, वो आ गई, बोलती है चल हम लोग ना, मुझे छुट्टियां मिली हैं और हम लोग माता रानी पे चलते हैं। मैंने बोला चलो। हम माता रानी पे गए और हम जब चढ़ाई चढ़ रहे थे तो सच में मैंने बहुत छोटे से भोले बाबा को देखा, कलरी है, इतने छोटे, और वो बिल्कुल वहां मतलब पॉसिबल ही नहीं था जाना कि वो एकदम अलग जगह थी। तो वो बच्चा अपने आप ही चढ़ रहा था और उसके हाथ में त्रिशूल था, जैसे बाबा ने बोला था कि तुझे भी भोले के दर्शन होंगे। और सच में उस टाइम मैंने बाबा के वो वचन याद रखे, मैंने देखा कि अरे बाबा तो मुझे ये बोल के गए थे वो बाबा, पर मुझे उस टाइम नहीं पता था कि वो सच में ही मेरे घर साई बाबा आए थे। आप मानो ना मानो, बाबा हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, ये सच्चाई है। कभी भी दुखी हो परेशान हो, बाबा आपके साथ खड़े होते हैं। और आज सुबह ही मैं बोल रही थी बाबा से ऐसे मतलब बातें करती, मैं कहा बाबा आप तो मुझे भूल गए हो, और इतने में मुझे ये जो हमारे साई भक्त हैं जो लवली जी, उनका कॉल आ गया। और मैं इतनी हैरान हुई, और उन्होंने मुझे बोला किसी चीज के लिए, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मैं कहा बाबा आप तो आज भी मेरी सुनते हो, मेरी भक्ति पता नहीं अब पहले जैसी है कि नहीं। बाबा कहते थे पहले मुझे, बाबा उस टाइम ये भी बोल के गए थे कि तेरे साथ कोई कितना भी बुरा करे तू उसका दिल मत दुखाना, तू उसके साथ कभी बुरा मत करना, तू उसके साथ हमेशा अच्छे बन के रहना, कभी उसके साथ कुछ भी वो मत करना, बाबा ने मुझे ये बोला था। तो तेरे दुश्मन भी तेरे पास आएंगे। और मैं सच में बोलती हूँ मैंने कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं, सबके साथ अच्छा ही किया। और बाबा के वचन मैं पहले तो बहुत अमल करती थी, शायद मैं धीरे धीरे पता नहीं किस चीज जंजालों में फंस गई, और आज मैं हो सक बहुत कड़वा बोलती हूँ, मीठा भी नहीं बोल पाती हूँ। कभी मुझे गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, तो मैं बहुत कड़वा बोल देती हूँ, बहुत ज्यादा, जो कि बाबा नहीं चाहते। बाबा कहते थे कि तुम किसी का दिल दुखाते हो तो मेरा दिल दुखाते हो, और वाकई में जब हम कड़वा बोलते हैं तो वाकई में किसी का दिल तो दुखता है, और जब तुम खुद सहते हो तो मेरे गोदी में रहते हो। तो हमें बाबा की गोदी चाहिए, और मैं बाबा से बस इस चीज के लिए माफी मांगती हूँ। और बाबा के अनुभव बहुत सारे मेरे साथ, लव यू सो मच बाबा, आपने मुझे अपनाया और आज भी आप मेरे साथ हो और हमेशा मेरे साथ रहना। और बाबा के बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो मैं अभी शेयर नहीं करूंगी, फिर कभी मौका मिला तो मैं बाबा के एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। बाबा ने मुझे अपने से ऐसे जोड़ा, जब मैं बहुत तकलीफ में थी, बहुत दर्द में थी, मेरे साथ कोई नहीं था,
उस टाइम मेरे साथ मेरे साईं थे और आज भी मेरे साथ मेरे साईं हैं। कुछ ना होते भी मुझे उन्होंने बहुत कुछ बख्शा है, बहुत ही कुछ बख्शा है, और उनके होने से मेरे पास वो सब कुछ है। कौन कहता है कि मैं माँ नहीं हूँ, सच में मैं माँ हूँ। बाबा ने मुझसे दो दो कन्या दान कराए, बहुत बड़ी बात है अपनी औलाद ना होने के बाद भी। और बाबा ने मुझे यही सिखाया, सबसे प्यार करो, सब जीव जंतुओं में मैं वास करता हूँ इसलिए मैं सबसे ही प्यार करती हूँ, नफरत तो किसी से भी नहीं करती। हाँ मैं दुखी होती हूँ, तकलीफ होती है तो मैं रोती हूँ बाबा के सामने, और बाबा उसी टाइम आके मुझे अपने गले लगा लेते हैं। ओम साईं राम, लव यू सो मच बाबा जी, ओम साईं राम।